आगे बढ़ेंगे खबरों में। बात अब आकांक्षा दुबे केस की। आकांक्षा केस में पुलिस को वो सुराग मिला है जिसका उसे लंबे समय से तलाश थी। आकांक्षा दुबे के कपड़ों की जांच रिपोर्ट आ गई है जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। आकांक्षा के कपड़ों पर मिला स्पर्म समर सिंह समेत चार आरोपियों का होगा डीएनए टेस्ट। आकांक्षा के विसरा और कपड़ों की जांच रिपोर्ट सामने आई। वेजनाइल और एनएल की जांच हुई, सैंपल्स लिए गए थे, सैंपल्स की पैथोलॉजिकल और फॉरेंसिक जांच हुई। इस खुलासे के बाद अब आरोपी समर सिंह, संजय सिंह, अरुण पांडे और संदीप सिंह का डीएनए टेस्ट हो सकता है। पुलिस ने कोर्ट से इसके लिए इजाजत मांगी है। आपको बता दें कि वाराणसी के एक होटल में संदिग्ध हालत में आकांक्षा का शव मिलने के बाद से ही ये पूरा मामला सवालों के घेरे में है। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे खुदकुशी बताया, लेकिन कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल सके हैं। आकांक्षा का परिवार और मां शुरू से ही पुलिस की खुदकुशी की थ्योरी से इनकार कर रहे थे और अब आकांक्षा के कपड़ों की रिपोर्ट से साफ है कि आकांक्षा का गुनहगार अब भी पर्दे में है। 28 मार्च को जब आकांक्षा पार्टी के बाद होटल में आई, उसके बाद उस कमरे में क्या हुआ, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। आखिरी बार संदीप सिंह को होटल में आकांक्षा के साथ देखा गया था। संदीप का दावा है कि वो आकांक्षा को होटल के कमरे तक छोड़ने आया था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अब इंतजार आरोपियों के डीएनए रिपोर्ट का है, क्योंकि इसी रिपोर्ट से आकांक्षा के गुनहगारों के चेहरे पर से पर्दा हटेगा। मृतक एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में अब नया मोड़ आ चला है। दरअसल मृतक एक्ट्रेस के ड्रेस का अब जो रिपोर्ट है वो पुलिस के पास पहुंच चुकी है। उनके कपड़े में कई ऐसे तथ्य हैं जिनको लेकर बड़े खुलासा होने वाले हैं। दरअसल जो एक्ट्रेस है उनके अंडरगार्मेंट में पुरुष सीमेन पाए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा गोपनीय तरीके से चार लोगों का डीएनए टेस्ट भी लखनऊ में करा दिया गया है। वो नाम दरअसल बनारस जिला जेल में बंद समर और संजय के अलावा जो होटल छोड़ने वाला संदीप, उसके साथ ही पार्टी देने वाला अरुण भी शामिल है। यानी चार लोगों का डीएनए टेस्ट हो चला है और इन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद कई विस्फोटक खुलासे होंगे। हालांकि इंडिया न्यूज लगातार इन तथ्य पर, इन कहानी पे और इस घटना पे लगातार नजर बनाई हुई है। लगातार परत दर परत इन कहानियों के पीछे की राज खोले जा रहे हैं। कई और शख्स हैं जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, कई और नाम हैं जिनका खुलासा भी पुलिस नहीं की है। यदि पुलिस खुलासा कर देगी तो ये शख्स फरार हो जाएंगे। हालांकि अब लगातार इनकी गिरफ्तारी करने के लिए या जो साक्ष्य और बरामद होंगे उन पर पुलिस काम करेगी। सबसे बड़ा सवाल उठता है संदीप सिंह वो शख्स है जो आकांक्षा को कमरे में छोड़ने आया था और 17 मिनट उस कमरे में रहता है। हालांकि संदीप सिंह ने अपने बयान में बताया था कि हम उस कमरे में फ्रेश होने गए थे, लेकिन कई घुमावदार सवाल अब बाकी है। पुलिस अब घुमावदार सवाल करेगी, यानी कि जो पुरुष सीमेन है ये सीमेन किसका है, इसको लेकर अब डीएनए टेस्ट के बाद अब ये तथ्य सामने आएंगे कि ये पुरुष सीमेन किसका है। उसके साथ ही जो विसरा रिपोर्ट है वो भी पुलिस के पास पहुंच चुकी है। यानी विसरा रिपोर्ट में भी कई खुलासे हो चले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा पुलिस अब किनको आरोपी बनाती है, क्योंकि जो जांच का दायरा है वो लगातार तेज हो चला है।